ग्लोबल हेराल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर लेबड़ के नजदीक 5 बदमाशों ने धार डिप्टी कलेक्टर के वाहन पर हमला कर तोड़फोड़ की। हमले में ड्राइवर और कंप्यूटर ऑपरेटर को चोट आई है। डिप्टी कलेक्टर भोपाल में एक मीटिंग में शामिल होकर धार लौट रहे थे। सादलपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर हमला करने वाले आरोपियों के वाहन के बारे में पता लगा लिया है। पुलिस के अनुसार जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डिप्टी कलेक्टर प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि वे बुधवार को भोपाल में राज्य निर्वाचन आयोग के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। भोपाल से लौटते समय लेबड़ और गुनावत के बीच एक ढाबे के पास करीब 5 बदमाशों ने हमारी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी अड़ाकर रोक लिया। गाड़ी के बोनट पर हमला करते हुए ड्राइवर को खींचकर बाहर निकाला और साइड ग्लास को तोड़ दिया। हमने उनके बारे में जानकारी चाही और उनकी गाड़ी का नंबर नोट किया तो वे भाग निकले। चौहान की माने तो संभवतः बदमाशों ने गफलत में उनकी गाड़ी को रोका होगा, क्योंकि हमारे द्वारा जानकारी देने और लेने पर वे वहां से भागे थे। इसके बाद हम सादलपुर पहुंचे और FIR दर्ज करवाई। वहीं ड्राइवर ने बताया कि बदमाशों ने सबसे पहले बोनट पर मारा, फिर मुझे बाहर खींचा। इसके बाद हमारे साथी कंप्यूटर ऑपरेटर को मारा। धार SP आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि डिप्टी कलेक्टर पर बुधवार को भोपाल से मीटिंग अटेंड कर धार लौटते समय हमला हुआ था। बदमाशों ने इनकी गाड़ी को कट मार कर रोका था। हमले में ड्राइवर और ऑपरेटर को चोट आई है। आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है। गिरफ्त में आने के बाद ही हमला किए जाने का वास्तविक कारण पता चल पाएगा। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए ग्लोबल हेराल्ड न्यूज के साथ। धन्यवाद।